जंतुओं में रिप्रोडक्शन दो विधियों द्वारा संपन्न होता है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हम देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो एक जनकीय यूनिपेरेंटल होता है और इसके साथ ही अलैंगिक जनन में गैमिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें नर और मादा इस प्रकार से दो भिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होगी इसमें क्या है, कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह उसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है जिसे हम ब्लास्टेमा कहते हैं और ब्लास्टेमा से होने वाला जो जनन की प्रक्रिया है उसे हम ब्लास्टोजेनेसिस और इस ब्लास्टोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप या अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो एनिमल्स डेवलप होते हैं या जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम ब्लास्टोजुआइट्स कहते हैं। ब्लास्टोजुआइट्स सभी इनवर्टिब्रेट और इसके साथ ही वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से निम्न चार विधियों द्वारा संपन्न होता है, जिसमें फर्स्ट खंडन, सेकंड विभाजन या फिजन की प्रक्रिया, थर्ड मुकुलन या बडिंग और फोर्थ जेम्यूल फॉर्मेशन। इस प्रकार से निम्न चार विधियों के द्वारा जंतुओं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है। फर्स्ट खंडन या फ्रेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया, तो यहाँ इसमें आप देखेंगे कि इस विधि द्वारा जनन सामान्यतः स्पंजेज, सीलेंटेट, प्लेनेरिया, पॉलीकीट्स आदि जो एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस विधि द्वारा होता है। स्पंजेज के केसेस में स्पंजेस के अंदर जैसे हम जानते हैं कि पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, तो इसके कारण इस खंडन की प्रक्रिया के द्वारा स्पंजेस जो होती हैं वो बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, फिर प्रत्येक जो फ्रेगमेंट है वो एक नई संतति के अंदर या नए एक ड्यूटर एनिमल्स में डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से प्लेनेरिया वगैरह के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ एनिमल का जो शरीर है वो अग्र और पश्च दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक जो खंड होता है वो बाद में फिर एक स्वतंत्र संतति के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन की ये जो विधि है इसे हम खंडन विधि कहते हैं। सेकंड फिजन या विखंडन, यहाँ इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है ये प्रोटोजोन और इसके साथ साथ ही मेटाजोआ दोनों प्रकार के जीवों में पाई जाती है। प्रोटोजोन्स में आप देखेंगे जो सिलियरी प्रोटोजोन्स हैं जैसे प्रोटोजोआ, तो इस प्रकार के जीवों के अंदर बाइनरी फिजिन जो होगा वो किस प्रकार का ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ बाइनरी फिजिन, तो दूसरी तरफ जो फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स जैसे युगलिना के केसेस के अंदर यहाँ इनमें सामान्यतः किस प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। थर्ड इसके साथ ही स्पोरोजोआ के जो मेंबर हैं वहाँ इनमें एक अन्य थर्ड प्रकार का जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजिन या बहुविभाजन, तो इस विधि के द्वारा जनन देखने को मिलता है। इन सभी प्रोसेस के अंदर यहाँ सबसे पहले बाइनरी फिजिन के हम देखेंगे, चाहे वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजिन हो
या फिर आपकी क्या है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजिंग। इन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम इनके जो केंद्रक हैं वो डियोटर न्यूक्लियाई में केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनोसिस की प्रक्रिया के द्वारा विभाजित होते हैं और जिससे दो संतति केंद्रक डेवलप हो जाते हैं और उसके पश्चात फिर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और जिससे एक जनक जंतु से दो संतति डेवलप हो जाती है। मल्टीपल फिजिन के केसेस में जो न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेड डिवीजन के द्वारा बहुत से संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। तो पहले कैरियोकाइनोसिस की प्रक्रिया रिपीटेडली होगी जिसके फलस्वरूप क्या है बहुत से संतति केंद्रक निर्मित हो जाते हैं और फिर प्रत्येक डियोटर न्यूक्लियाई के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर उस संतति केंद्रक को आबद्ध कर लेता है और इस प्रकार से निर्मित प्रत्येक यूनिट इकाई जो होती है वो एक संतति जंतु में डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार से प्रोटोजुआ के साथ साथ ही जो मेटाजुआ मेंबर्स हैं उनमें भी फिजिन की प्रक्रिया के द्वारा जनन जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड आप देखेंगे बडिंग या मुकुलन की प्रक्रिया, तो यहाँ मुकुलन द्वारा जो जनन है ये सामान्यतः स्पंजेज, इसके साथ ही क्या है सीलेंटेट्स, एनेलिड्स और कुछ कॉर्डेट्स जिन्हें हम ट्यूनिकेट्स कहते हैं उनके अंदर भी बडिंग के द्वारा जनन देखने को मिलता है। बडिंग की प्रोसेस जो होगी उसमें सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होती हैं और जिसके फलस्वरूप शरीर की सतह पर एक आउट ग्रोथ जो है मुकुल या बड के रूप में डेवलप हो जाती है। आप सभी लोगों ने हाइड्रा एक वेल नोन सीलेंटेट पढ़ा ही होगा। हाइड्रा एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें एक बाहरी और दूसरी भीतरी लेयर और इसके साथ ही इसके सेंटर में एक कैविटी जिसे हम सीलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं पाई जाती है। ये जो एनिमल है इसकी दोनों ही लेयर की सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई होकर शरीर की बाहरी सतह पर आउट ग्रोथ के रूप में बड डेवलप करते हैं। लगातार इसमें सेल्स के इस प्रकार से डिवीजन के कारण बड का निर्माण, बाद में फिर इसमें निरंतर ग्रोथ होती चली जाती है और जो शरीर के मध्य में सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है ये बड के अंदर भी कंटिन्यू हो जाती है। ग्रोथ होने के साथ ही फिर इसमें डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया और इस प्रकार से डेवलप जो बड है वो फाइनली पेरेंट्स एनिमल के शरीर से डिटैच हो जाती है और डिटैच होकर ये फिर किसी भी सबस्टेटम से अटैच हो जाती हैं और बाद में इस प्रकार से पृथक हुई जो बड है वो एक स्वतंत्र संतति हाइड्रा के रूप में डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा न केवल सीलेंटेट हाइड्रा बल्कि अन्य तमाम जो जंतु हैं जिनमें इन्वर्टिब्रेट्स के साथ साथ ही ट्यूनिकेट जैसे जो कॉर्डेट्स हैं उनमें भी बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। फोर्थ मेथड जैम्यूल फॉर्मेशन। जैम्यूल फॉर्मेशन मुख्य रूप से फ्रेश वाटर जो स्पंजेज हैं उनमें क्या है जैम्यूल फॉर्मेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। इस प्रकार के जो जैम्यूल्स हैं ये सामान्यतः एडवर्स कंडीशंस में जब जलाशय के अंदर पानी कम हो जाता है टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में जैम्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। जैम्यूल्स जो होंगे उनके चारों ओर काइटिन की बनी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है।
जब पेरेंट्स एनिमल्स डेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो जैम्यूल्स हैं वो फिर डेवलप होकर संतति प्राणियों में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि जो जंतु हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की ये चार प्रमुख विधियां पाई जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रमुख विशेषताओं में कि इस प्रकार का जो जनन है ये सामान्यतः बाईपेरेंटल द्विजनकीय, लेकिन इसके साथ ही कुछ जंतुओं में यूनिपेरेंटल भी होता है। जहाँ दो प्रकार के जनक नर और मादा, और इनमें फिर दो प्रकार के जननांग, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग को हम ब्रसंड या टेस्टिस, मादा जननांग को अंडाशय या ओवरी। लैंगिक जनन की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम तीन स्टेप्स में अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। सेकंड, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। इनमें से फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के जो पेरेंट्स हैं उन दोनों प्रकार के पेरेंट्स के अंदर, जैसे नर पेरेंट्स के अंदर मेल गोनेट्स जिन्हें हम टेस्टिस, फीमेल पेरेंट्स में फीमेल गोनेट्स ओवरी पाई जाती हैं। मेल पेरेंट्स में टेस्टिस के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स जिन्हें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, और इनसे फिर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेल गैमिट या स्पर्म्स डेवलप। ये जो स्पर्म डेवलपमेंट की प्रोसेस या कह सकते स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ इसमें अर्धसूत्री विभाजन जिसके कारण क्या होगा कि पेरेंट्स से जो गैमिट डेवलप होते हैं इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n के स्थान पर n रह जाता है। इसी प्रकार से फीमेल गैमिट के अंडाशय में ओजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेल गैमिट ओवम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा डेवलप, जिनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n के स्थान पर n रह जाती है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के नर और मादा जो पेरेंट्स होते हैं उनसे स्पर्म्स एवं ओवम के रूप में गैमिट्स डेवलप। सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट, यहाँ इसमें फिर नर और मादा जो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट स्पर्म्स और फीमेल गैमिट ओवम, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात फिर जायगोट का फॉर्मेशन। इस जायगोट फॉर्मेशन की प्रक्रिया द्वारा गैमिट फॉर्मेशन के समय पर जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम निर्मित हो जाता है उससे पुनः जायगोट निर्माण के समय पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो जाता है। तो इस तरह से जो डिप्लॉइड जायगोट डेवलप होगा, ये डिप्लॉइड जायगोट जो है ये आपकी क्या है, नेस्ट जनरेशंस की जो है ये फर्स्ट स्टेज के रूप में पाई जाती है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड स्टेप डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। तो जो डिप्लॉइड जायगोट होगा, इस जायगोट के अंदर फिर रिपीटेडली क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन, जिसके पश्चात मल्टी सेलुलर एक ठोस गेंद के समान संरचना डेवलप हो जाती है जिसे हम मोरूला, इस मोरूला के अंदर फिर डिफरेंशिएशन, और जिसके फलस्वरूप क्या है एक द्विस्तरीय ब्लास्टुला, और देन ब्लास्टुला से फिर क्या है गैस्टुला, और इस प्रकार से फिर विभेदन की प्रक्रिया के द्वारा
संतति जीव का निर्माण। तो जायगोट के डेवलपमेंट्स की जो ये प्रोसेस है इसे हम एम्ब्रियो जेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली तीन स्टेप्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट एंड डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, तीन। देन इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये किस स्थान पर डेवलप होती है उसके बेसिस पर तीन प्रकार की ये प्रोसेस जो है वो पाई जाती है, जिनमें से फर्स्ट ओवीपैरिटी या अंड प्रजकता। इस प्रकार का जो लैंगिक जनन है इनमें क्या है, जायगोट का डेवलपमेंट मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है या पेरेंट्स के शरीर के बाहर, और इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो एम्फीबिया, एवीज, प्रोटोथीरियन मैमल्स इनमें सामान्यतः पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवो विविपैरिटी, यहाँ इस प्रकार के केसेस में हम पढ़ेंगे जायगोट का डेवलपमेंट फीमेल पेरेंट्स के अंदर, लेकिन इनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके कारण डेवलपिंग इम्ब्रियो को प्रोटेक्शन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन प्लेसेंटा डेवलप न हो पाने के कारण न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं हो पाता। इस तरह का डेवलपमेंट जैसे सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस जिसे हम कहते हैं उसमें पाया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम जरायुजता या विविपैरिटी, ये यूथीरियन मैमल्स इनमें, और यहाँ इस प्रकार के डेवलपमेंट के केसेस में आप देखेंगे कि जो जायगोट है उसका डेवलपमेंट मादा प्राणी के शरीर के अंदर और उसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और इसके कारण डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्राप्त हो जाता है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ संपन्न होती है उसके बेसिस पर हम पढ़ते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार का, ओवीपैरिटी, ओवोविविपैरिटी एंड विविपैरिटी, और इसी आधार पर जिन जंतुओं के अंदर इस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है उन्हें भी हम क्रमशः है ओवीपैरस, ओवोविविपैरस एंड विविपैरस एनिमल कहते हैं। थैंक यू।